मैं गया वहाँ पे एक्सीडेंट के पॉइंट पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तो गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जिससे कि बताया काफ़ी वहाँ पे जो लोग आई विटनेस रहे होंगे जिन्होंने देखा होगा तो उन्होंने बताया, उनके थ्रू मुझे पता चला गाड़ी नंबर वगैरह, तो मैंने वेरीफाई किया है मर्सिडीज़ बेंच गाड़ी थी। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो 50 मीटर दूर पहले ही उसका एक्सीडेंट हुआ, 50 मीटर दूर जाके उसकी बॉडी गिरी और करीब 200 मीटर दूर जाके उसका उसकी साइकिल थी। वो पर डे साइकिल से मतलब अपने जॉब पे जाता था काम करने के लिए, वो अराउंड 25 किलोमीटर पर डे साइकिल चला के अप डाउन करता था। वो मदनपुर खादर से जोरबाग पृथ्वीराज रोड की तरफ जाता था काम करने के लिए, जैसा कि मेरे रिलेटिव ने बताया कि वो डाबरा हाउस में काम करता था। और ये गाड़ी की स्पीड आप बता देख सकते हैं कि बताया उसकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी थी, जिसने साइकिल को भी खींचते खींचते कम से कम 200 से 250 मीटर की दूरी पे ले जाकर फेंका है। तो आप समझ सकते हो वो डेड बॉडी के साथ में उन्होंने क्या किया होगा, रौंदा होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग से कि उसको न्याय मिलेगा, क्योंकि उसके भी दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो इतना ओल्ड नहीं हुआ था, 34 ईयर्स ओल्ड था वो। मैं चाहता हूँ कि इंडियन कोर्ट जो भी डिसीजन ले उसके लिए न्याय दे। पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं बताया, पर हमने देखा था कि गाड़ी UP 16 BN 5555 नंबर उनके डायरी पे लिखा हुआ था, किसी ने लिखवा दिया था रास्ते में जो चलते हैं जी। तो क्या मर्सिडीज गाड़ी है? मर्सिडीज गाड़ी वाइट कलर की बताया उन्होंने। राजेश जी किस तरह से चल रहे थे, साइड में जा रहे थे और किस तरह से हिट किया, कुछ पता चला, किसी ने बताया? मतलब साइड में, बिल्कुल साइड में बॉडी भी साइड में थी जो है, बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही मारा है अपने रास्ते पे, और डेली आना जाना वही था हमारा करीब 12 साल से। हाँ अच्छा, तो राजेश जी कहाँ काम करते थे, कितने टाइम से वहाँ जाते थे? राजेश जी ये पृथ्वीराज रोड डाबर हाउस में काम करते थे, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए उसको वहाँ पर करते हुए। तो साइकिल से ही जाते थे? साइकिल से डेली अप डाउन करते थे 10-12 साल जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस तरह से जो हाई फाई गाड़ियाँ होती हैं मर्सिडीज और तमाम इस तरह से चलते हैं, एक्सीडेंट के कई मामले सामने आ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि ये सावधानी से चले जाए और इनको कम इसको इनको जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए जो है, इनको ऐसे जाने नहीं दिया जाए। हम तो यही चाहते हैं, हर आदमी तो चला गया इन उनकी गलती से। राजेश जी की फैमिली में कौन कौन है? और राजेश जी की फैमिली में ये दो बेटे हैं, एक 12 साल का है, एक 9 साल का है। पत्नी? और पत्नी है? पत्नी काम करती हैं? नहीं, पत्नी घर पे रहती है। अच्छा, तो अब कैसे और चलेगा, कुछ आप लोगों के सारे चलेगा या कुछ? जी अब तो देखो, अभी हम तो यही चाहते हैं कि भाई उनसे भी गाड़ी वाले को पकड़ के लाया जाए, उनसे भी उनकी मदद कराई जाए जो है, और क्या कर सकते हैं, दो बच्चे का पालन पोषण हो सके। सर हमको ये जानकारी मिली है लोगों से जो बताते गए, तो हम वहाँ पे पहुँचे तो मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी, वो पुलिस भी फिर वहाँ पहुँची हुई थी, तो फिर वही उसके बाद फिर वहाँ से लेके गए, मतलब थोड़ी 2 घंटे 1-2 घंटे के बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहीं वो हुआ और उसके वहीं तुरंत ही मौके पे मौत हो गई थी। कौन सी गाड़ी ने हिट किया फिर? ये मर्सिडीज गाड़ी है, वो खड़ी है ना वहाँ पे, तेज रफ्तार से चल रही थी। हाँ जी, तेज तो थी तभी तो इतनी दूर तक, साइकिल तो कितना भोगल के वहाँ नीचे जाके मिली थी, वो गाड़ी में फंसी हुई थी, साइकिल यहाँ नहीं साइकिल की गाड़ी में फंसी हुई, बहुत दूर जाके मिली थी, 200-300 मीटर के आगे। क्या चाहते हैं? क्या सर, हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले, बस और क्या।